शहर के चर्चित बिल्डर महेश अग्रवाल की कारगुजारियां जैसे जैसे सामने आ रही है वैसे वैसे वो आरोपों के घेरे में आते नजर आ रहे हैं। रविवार को रामगंगा बिहार स्थित उनके कार्यालय पर एक विरोध प्रदर्शन हुआ जिसमें लोगों ने महेश अग्रवाल पर धोखाधड़ी का आरोप लगाया। मामला अभी शांत भी नहीं हुआ था कि काशीराम नगर में रहने वाली एक महिला कम्मो शर्मा ने महेश अग्रवाल पर आरोप लगाया कि वो उसको परेशान कर रहे हैं। महिला का कहना था कि उसने आकाश ग्रुप के बारे में मुरादाबाद विकास प्राधिकरण से एक सूचना मांगी थी जिसके बाद से महिला को लगातार धमकी मिल रही थी पर कुछ दिन पहले उस पर हमला भी हुआ जिसकी शिकायत वो उच्च अधिकारियों से कर चुकी है पर आज तक कोई कार्यवाही नहीं हुई। महिला का कहना है कि आकाश ग्रुप के मालिक महेश अग्रवाल उसको लगातार परेशान करवा रहे हैं। ये हमले महेश अग्रवाल और आकाश अग्रवाल करवा रहे हैं। मैंने इसकी प्रतिक्रिया जब से मेरे साथ ये हमले हो रहे हैं मैंने छानबीन नहीं हो रही है। मैंने SSP DIG कमिश्नर सबको डाक द्वारा सूचित करा था मगर मेरे ऊपर हमला करा गया जिससे मेरे सर पे काफ़ी चोट आई मगर कोई मेरी कोई सुनवाई नहीं कर रहा है। क्या मैं गरीब हूँ इसलिए रास्ते में रोक के मुझे धमकी दे रहे हैं। मैं एक सामाजिक कार्य करने वाली महिला हूँ। मैं 24/4 को एक ITI घेरी थी क्योंकि आकाश अग्रवाल और महेश अग्रवाल दोनों धोखाधड़ी करके मकान बना करके धोखाधड़ी करके बेच रहे हैं। उसके संज्ञान में आने के बाद मैंने एक ITI घेरी। ITI घेरने के बाद ही मुझे धमकियाँ मिलने लगी रास्ते में रोक के जिसकी शिकायत मैंने थाने में भी दी थी। 2 बार थाने हो आ चुकी हूँ मगर आज तक कोई सुनवाई नहीं हुई। फिर मैंने DIG कमिश्नर सभी अधिकारियों पर अपनी शिकायत लगाई है जिसकी आज तक कोई सुनवाई नहीं की गई है। आते हैं पूछताछ करते हैं चले जाते हैं। मेरी जान मुझे अभी हाल ही में 8 तारीख को मुझ पर हमला करा गया जिसमें मेरे सर पर चोट आई उसके बावजूद मेरी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। मेरी जान पर खतरा बना हुआ है। कृपया करके इस शिकायत को मेरी जनता से और सरकार से मेरी अपील है मेरी शिकायत को दर्ज करा जाए। क्या एप्लीकेशन में लिखा है आपने और क्या रहा है? उस एप्लीकेशन में मैंने अपनी जान की सुरक्षा के लिए लगाई है कि मेरी जान की सुरक्षा होनी चाहिए और न्याय मिलना चाहिए। उसके खिलाफ भी कोई न्याय नहीं मिला। अज्ञात व्यक्ति रोक के मुझे धमकी देते हैं। किस पर सर? महेश अग्रवाल और आकाश अग्रवाल के अलावा कोई नहीं कर रहा है। जब से मैंने ITI करी है जब से ये संज्ञान में आने लगी हूँ उन लोगों के तभी से मुझे धमकी देने लगे। किस तरह की धमकी दे रहे हैं? यही कि हाँ तू उन लोग ITI वापस ले ले वरना तेरा रहना दुश्वार कर देंगे। तेरा पता नहीं रहेगा कि मुरादाबाद में कम्मो नाम की औरत थी या नहीं थी। तेरे बच्चों का रहना दुश्वार कर देंगे कहीं की नहीं रहेगी तू। वो हाथी है तू एक चीटी है तो ये मसल देंगे पता नहीं चलेगा। पुलिस क्या कह रही है? पुलिस को सुनी नहीं रही है मेरी। क्या चाहते हैं? न्याय चाहती हूँ। आपकी RTI का जवाब आ गया? नहीं आज तक कोई ITI का मुझे कोई जवाब नहीं मिला है। क्या लगता है आपको? मुझे तो ऐसा लगता है सब मिले हुए हैं MDA वाले भी पुलिस प्रशासन भी पूरा मिला हुआ है कोई जवाब नहीं आया किसी भी प्रकार का कोई जवाब नहीं मुझे आज तक नहीं मिला। क्या विकास प्राधिकरण उनकी पूरी सहयोग में है पूरा सहयोग कर रहा है महेश अग्रवाल का आकाश अग्रवाल का। विकास प्राधिकरण कह देता है जाँच करेंगे फिर कह देता है जाइए हो जाइए। अभी तक कोई जवाब मुझे आज तक नहीं मिला है। पब्लिक TV आपकी आवाज़।